रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस ने दो ऐसे और अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में उन देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी एनर्जी डिमांड के लिए निर्भर होना चाहेंगे। भारत में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए रिलायंस ने डेनिश कंपनी स्टीजडल के साथ एक MOU साइन कर लिया है और इस एग्रीमेंट के तहत ये डेनिश मैन्युफैक्चरर रिलायंस को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट कई गुना घट जाएगी और इलेक्ट्रोलाइजर की भारत में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल न केवल भारत बल्कि बाहर के देशों में एक बड़े कमर्शियल लेवल पे किया जा सकेगा। इसके अलावा फिलहाल भारत के कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भारत में करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स को रिलायंस फिलहाल गुजरात के जामनगर में मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रही है और इस इलेक्ट्रोलाइजर के भारत में आने से न केवल अरब देशों पर पेट्रोलियम को लेके भारत की निर्भरता कई गुना कम हो जाएगी बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। रिलायंस ने दूसरा सबसे बड़ा निवेश एक जर्मन सोलर वेफर मैन्युफैक्चरर कंपनी में किया है। इस जर्मन कंपनी का नाम है नेक्स्ट वेव और सोलर सेल्स बनाने के लिए जिन सोलर वेफर्स की जरूरत पड़ती है उन वेफर्स को मैन्युफैक्चर करने में इस कंपनी को महारत हासिल है। अभी तक सोलर वेफर्स के लिए भारत मेनली चाइना पे निर्भर है और इन्हीं सोलर वेफर्स को एक बड़े लेवल पे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए ही रिलायंस ने इस कंपनी में 25 मिलियन यूरोस निवेश किए हैं। इन दोनों कंपनीज के बीच भारत में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर वेफर मैन्युफैक्चर करने के लिए करार साइन हुआ है और जल्द ही रिलायंस इन वेफर्स का प्रोडक्शन भारत में कमर्शियल लेवल पे करने वाली है। आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से भारत को कुछ ही सालों में चाइना के एक अल्टरनेटिव तौर पे भी देखा जा सकेगा जिस पर रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए भरोसा किया जाएगा। जाने से पहले आपको बता दें कि कोयले की शॉर्टेज की खबर उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इस खबर को चूरन देश की मीडिया भारत में फैला रही है और वो इसलिए क्योंकि चाइना में खुद एक बहुत बड़ा पावर आउटेज चल रहा है और भारत से अपनी नाक ऊंची रखने के लिए इस खबर को गलत तरीके से भारतीय मीडिया में पैसे देके फैलाया जा रहा है। और अगर हमारी तरह आप भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पे विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन जरूर लिखेगा और हाँ लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।